नमस्कार गाइस, मैं मोर यूट्यूब चेनेल न्यू ड्रीम ब्लग लोक स्वागत आशा करूँ सको भले कुशले आसे। गाइस एन राज्य मैं अंगनवाड़ी कर्मी सहायक तला बंधर हुंकार दी सरकार क्यों पंद्रह दिन मैं समय सीमा बांधि दी सरकार दबी समूह जो पूरा नक सरकार सेंटर समूह एक बारे मानने बंध कर दी क्यों मैं एक बारे कम मजुरी जीत काम करलिया सरकार ऊर किसान नतुनको दबी राखि से गए कि दबी राखी से चाँव हमको भिडियो शेष लेकिन स्किप नक चाले अपने कथाखि गोटे बुझी पा तो गाइस चेनेल जो नतुनको मोर चेनेल पुल प्रथम सबसक्राइब कर लग अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका आँचनीभुक्त कर्मचारी मैं दरमहा बृद्धिर खबर पुल प्रथम आपनलोक लाभ करे मोर चेनेल सबसक्राइब कर लग तो गाइस देरी नक भिडिओ आज आरम्भ कर अपने शेष लेकिन चाहिए गोटेखि कथा बुझी पा। गाइस अंगनवाड़ी कर्मी सहायिकार माननी बृद्धि क्षेत्र बजेट कैसा तो धार्य कर नदी मैं अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका बर्तमान मैं ऊल्से मैं पूरा जाग्रत हो उठी से एक बारे कम मजुरी और आज इतना कम नक मैं दबी राखी से सरकार नियमियाकरण करें और जो सरकार जैसे मैं नियमियाकरण नक मैं मिनिमाम दरमह 18,000 टका धार्य कर सरकार ऊर मैं दबी जाना से आहान जाना से लगते माने स्कूल बिलाकर कथा कैसे प्रत्येक स्कूल माने समय सूची कार्यसूची और लगते एन एकेडेमिक कैलेंडर थके जो निकी मैं कि क्लास थको कि पाठदान कौनक बंध थ बसरेक परीक्षा के गोटेखि मैंने मैं इतने संलग्न होंगनवाड़ी कर्मी सहायिकार मैं कौन एकेडेमिक कैलेंडर व्यवस्था ना ना जार फल मैं बंधर दिन तो अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका मैं काम करलिया गाइस अंगनवाड़ी कर्मी और मैं बहि ना सरकार ऊर दबी जाना से शीघ्र मैं एकेडेमिक कैलेंडर व्यवस्था करक जाते गरम बंध आनक किसान बंध दिन जैसे कम करलिया ना जी सरकार दरमह तो बृद्धि नगर एक बारे कम माननी सरकार जीत काम खटवा सके मैं दबी जाना से एकेडेमिक कैलेंडर एन व्यवस्था करक और गाइस दरमह तो जो पंद्रह दिन भर जो समस्या समाधान नक आजीवन मानने मैं मैं सेंटर समूह तला बंधर मैं हुंका और एज महिलागढ़ मानने कि कले सरकार और मीडियार आगत केनेकवाधरण मंत्य आग बढ़ाई से अपना यह भिडिओ मैं देखाई अपने स्किप नक भिडिओ शेष लेकिन चाहिए गोटेखी कथा बुझी पा तो नेरी नगर भिडिओ चाहिए। तो 15 दिन के बाद हम आंगनबाड़ियों पे ताले लगाएंगे और पूरी राजस्थान की आंगनबाड़ियां बंद करेंगे। उसी के एवज में हम हर जिले और तहसील में मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं ताकि सब बहनों को एक कर सके और ऑल राजस्थान में आंगनबाड़ियों पे ताले लगवा सके। क्या क्या मांगे आपकी मुख्य? हमारी मेन मुख्य मांग तो ये है कि हमें नियमित किया जाए। अगर सरकार जब तक नियमित नहीं करती है तो हरियाणा सरकार की तर्ज पे हमारे भी यहाँ एक कैटेगरी बना दी जाए और 3 भागों में बांट दी जाए, उसी हिसाब से मानदेय दिया जाए। 24 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के भी एक आदेश थे कि किसी भी मानदेय कर्मी को 18,000 से कम मानदेय नहीं दिया जाएगा, पर सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगती और वही 9,000 की पुलड़ी दे रहे हैं और वो भी दो हिस्सों में दिया जा रहा है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि पिछली सरकार ने हमें एक घोषणा में ये कहा था कि हर प्रत्येक मानदेय कर्मी को सेवानिवृत्ति के बाद 2 से 3 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि दिए जाएंगे, जिसके आदेश अभी तक लागू नहीं किए। तीसरा हमारा ये था कि शैक्षिक कैलेंडर लागू किया जाए, जैसे स्कूलों में छुट्टियां होती है और छोटे मोटे त्योहार पे आंगनबाड़ी वर्करों मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं होती तो महिलाएं अपने त्योहार आराम से नहीं मना सकती। चौथा ये था कि एक मुफ्त मानदेय दिया जाए जो दो हिस्सों में आता है। एक छोटी सी मांग ये थी कि आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती थी 22 जून को एग्जाम हुआ था उसमें पदों की भर्ती की जाए, तो उसमें तो पदों की भर्ती उन्होंने बढ़ा दी, 60 पद बढ़े हैं। बाकी अभी 4 मांगे और है जिनको लिए हम बैठे हैं, तो 5 दिन का वेट कर रहे हैं। अगर 5 दिन में भी इन समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ऑल राजस्थान में आंगनबाड़ियों पे ताले लगाए जाएंगे। इसी के एवज में हर जगह मीटिंग का आयोजन। आपको लगता नहीं आपने काफी देर कर दी क्योंकि राज्य सरकार का बजट आ चुका है, केंद्र सरकार का बजट आ चुका है, उसके बाद आप जागे हो? आज तक हमने जो भी किया है बजट से हमें कोई लेना देना नहीं है और सरकार को भी नहीं है। ये बजट में तो सरकार कभी कुछ नहीं करती, जो देती है बजट के बाद ही देती है। गाइस भिडिओ जो भल लगे क्या जो इनफर्मेशन लाभ कर मोर चेनेल सबसक्राइब कर और भिडिओ पारे अपना शेयर कर और भल भल भिडिओ मैं अंगनवाड़ी दरमह बृद्धिर क्षेत्र जी मैं न्यूज खबर मैं पाँच अपना पुल प्रथम दीबले चेस्ा करें तैयार चाहिए मोर न्यू ड्रीम ब्लॉग चेनेल गए गाइस आजिले इमानते बाय।